देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन का हॉट टेस्टिंग। चार्जिंग सेक्शन में कहाँ पे कितना वोल्ट आता है, उसे किस तरीके से चेक करेंगे, वो भी PIC होती है ख़राब है या ठीक है, उसे कैसे जाने, आपका आज के इस वीडियो में चार्जिंग से संबंधित लाइव हॉट टेस्टिंग के साथ हर एक पॉइंट हम क्लियर कराएंगे। देखिए, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं, सितंबर का बैच हमारा फुल है, अक्टूबर नवंबर की बुकिंग चल रही है। आप अक्टूबर में आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं, कुछ सीट खाली है। नवंबर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, नवंबर और दिसंबर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। फीस हमारा 19,200 है, रहना खाना फ्री है। ऑफलाइन का जो कि आप हमारे पास आकर लाइव सीखेंगे। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है, जो कि आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। जो आप दोनों नंबर देख रहे हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 25-30-40-50,000 रुपये वाला जो कोर्स होता है, हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। आप आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लें, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप बुकिंग करा सकते हैं। यदि आपका फ़ोन नहीं उठा पाते तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके अभी अपना मैसेज डाल सकते हैं, यदि आपका रजिस्ट्रेशन कराना कन्फर्म है तो। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बोर्ड मेरे पास ये वाला है, इसका टेस्टिंग कराएंगे, और एक ये वाला है। तो दो बोर्डों पर मैं आपको बताऊँगा, उसी तरीके से आपको चेक करना है और रिपेयर करना है अच्छे से। तो चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की आती है, तो आप उसे कैसे जाने, कैसे समझें। देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर को आप डायोड की रेंज पर रखें। डायोड की रेंज पर रख दिए। डायोड की रेंज पर रखने के बाद अब दो बोर्ड मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे दोनों पे चेक करेंगे। अच्छे से देखना है आपको, बहुत अच्छे से समझना है। इसी तरीके से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप हमारे पास में आ सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट हम ग्राउंड करेंगे, कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। जैसे कि चार्जिंग सेक्शन कर रहे हैं तो चार्जिंग जैक के ऊपर ग्राउंड कर देते हैं। मीटर बजर मोड पे लगा है, ग्राउंड किए। एक पॉइंट से हम चेक करेंगे, ग्राउंड से ग्राउंड पर बीप आना चाहिए, प्लस पॉइंट पे बीप नहीं आना चाहिए, जिस पर कि नहीं आ रहा। ये लाइन हमारी शॉर्ट नहीं है, ये लाइन एकदम ओके है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब जैसे ये लाइन हमारी ओके है, वो हमने चेक किया, इसका ट्रैक जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, लाइन हमारी यहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे ही दूसरे बोर्ड में हम चेक करेंगे, ये ग्राउंड है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये यहाँ पे जा रहा है सेम उसी तरीके से। तो इसमें भी चेक किए, इसमें भी चेक किए, दोनों में सेम प्रोसेस। अब आगे की बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है हॉट टेस्टिंग के ऊपर। तो पहले मैं एक कीपैड फ़ोन में आपको करवा देता हूँ, जिससे कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। अब इसमें हम चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे चार्जर लगा दिया। अब मीटर को लगाएंगे DC 20 20 वोल्टेज पर या ऑटो की रेंज पे। लगाने के बाद एक पॉइंट इसका ग्राउंड करेंगे। एक पॉइंट से आपको जिस पर शॉर्टिंग नहीं थी, GR था, उस पर वोल्टेज चेक करें। जितना वोल्टेज चार्जर से आएगा उतना वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि उतना ही वोल्टेज आना चाहिए, इस पर भी सेम वोल्टेज, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज, और इस साइड जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए और इस साइड पे 5 वोल्टेज आने चाहिए। छोड़ दो, 5 आना चाहिए। अब इसका मतलब है यहाँ पे 5 है और इस साइड पे 0 वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि डायोड ओके है, कोई शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई हाफ शॉर्टिंग नहीं है। इसमें चेक करेंगे, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ भी है, तो ये कॉइल हमारी ओके है। इस IC पे वोल्टेज पहुँचा, अब IC ठीक होगी तो आउटपुट में वोल्टेज देगी। यदि IC ये लीकेज होगी तो इसके ग्राउंड वाली पिनों पे वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, देख सकते हैं 0 है, यहाँ भी 0 है,
यहाँ भी जीरो है, तो इनपुट में 5 है 5 वोल्ट, आउटपुट में भी चेक करें, देखिए यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं दिखा रहा, एक बार इनपुट चेक करें, इनपुट में 5 वोल्ट है यहाँ पे देखिए अच्छे से, और आउटपुट में चेक करें यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ओ वी पी आई सी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ओ वी पी आई सी ख़राब है। अब आप क्या करते हैं, इस आईसी को हल्का सा हीट देके हिला के भी देख सकते हैं, तो इसको मैं हीट देके हिला के देख लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आईसी हो सकता है डिस्कनेक्ट हो या कार्बन की वजह से हो तो आईसी काम करने लग जाएगी। यदि आईसी नेचुरल ही ख़राब होगी तो काम नहीं करेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपके हर एक बात हर एक पॉइंट समझ में आए जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट टेढ़ा है, इसको भी सीधा कर लेते हैं। आईसी को हिला के वापस से दोबारा बिठा दिया है, बोर्ड को ठंडा होने के बाद यहाँ पे हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, क्या आईसी काम करती है या नहीं। हो सकता है आईसी ख़राब हो सकता है ठीक हो, तो काम कर भी सकती है। चार्जर लगा दिए, अब यहाँ पे आपको वोल्टेज देखना है। देखिए अब कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, है ना, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। इनपुट में चेक करें, सही से चार्जिंग चेक लगाना है और अच्छे से चेक करना है इसको। यहाँ 5 है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, देखिए आईसी के इनपुट पर पहुंच रहा है, चार्जिंग जैक सही से लगा होना चाहिए, केबल थोड़ी सी लूज है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब आईसी ही खराब है। ओ बी पी की बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं, इसमें मैं केबल लगा देता हूँ। ये लगा दिए, यहाँ वोल्टेज जब देखेंगे आप चेक करेंगे, एक पॉइंट ग्राउंड की है यहाँ पे मिला। इसके बाद जो एक कनेक्टर है इसका, यहाँ भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ये मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ये मिल रहा है और यहाँ भी है, इसका मतलब भी ओके। अब इसके जो टेस्टिंग पॉइंट होते हैं इन पे भी देखना होता है, यहाँ भी है, मतलब ये पत्ता जो कनेक्टर है ओके है, मदरबोर्ड के अंदर नीचे से ऊपर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो चार्जिंग आई सी, इस पर चेक करें, इसका ये ओ बी पी आई सी इसका इनपुट देखें, इसका इनपुट ओके है। यदि ये ओ बी पी आई सी ख़राब हुई तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 4.8 वोल्ट मिला, यहाँ पे 4.8 वोल्टेज मिला, तो इसका मतलब है कि आईसी ओके है। अब चार्जिंग आईसी जो है इसकी बी क्यू, इस पर इनपुट में वोल्टेज चेक करें, 4.8 मिला। अब बैटरी के प्लस में जब आप चेक करेंगे तो हो सकता है मिले ना मिले, अब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है आईसी ख़राब है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आईसी ख़राब। चार्जिंग जैक को निकालें, दोबारा से लगा दें, अब वोल्टेज आप यहाँ पर देखें, वोल्टेज मिल गया। कुछ फ़ोनों के अंदर जो वोल्टेज होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं,
कम ज़्यादा होते हैं, एक जैसे नहीं आते। जब आप इसमें यहाँ पे बैटरी को लगा देते हैं यहाँ पे, जब बैटरी को लगा दिए, लगाने के बाद जब चेक करेंगे इसके अंदर, तो 3.7 या 8 की या 4 की वोल्टेज यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मल्टीमीटर के साथ मदरबोर्ड के साथ हर एक पॉइंट आपको क्लियर कराया है कि कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, नहीं आता है तो कहाँ ख़राबी क्या होगी, हर एक पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया है। यही चीज़ आप अपने हाथों से करना चाहते हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आकर सीख सकते हैं। सबसे कम फीस लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कम से काटते हैं।